हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं वो हमारा डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि हमारा पुणे में सिचुएटेड है, पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड। इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे, कहाँ से इसका एफिलिएशन है, क्या ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड है, गवर्नमेंट है, क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी, हॉस्टल फैकल्टी क्या है, कितनी क्या फीस जा रही है आपकी, ऑल इंडिया रैंक इसकी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। कितनी टोटल यूजी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी पीजी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें अवेलेबल हैं फॉर पीजी, और अगर हम सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं, क्या कितने क्या सीटें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, हॉस्टल फीस के बारे में जानेंगे। अगर हम एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक आप प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल पर, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि अगर आप डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से हो या फिर अदर स्टेट से हो, तो कैसे क्या प्रोसेस उसका रहेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज है डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि हमारा पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1996 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अगर एफिलिएशन की बात करते हैं तो ये डॉक्टर डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी डीम्ड पुणे से ये एफिलिएटेड है, ये आपके एनएमसी से अप्रूव्ड है। अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं तो 19 नंबर पे इसका कॉलेज का नाम आता है। बाकी अगर हम इसकी टोटल नंबर ऑफ यूजी सीट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ यूजी सीट्स का इंटेक लेता है वो हमारी 250 सीट्स का इंटेक लेता है। और अगर हम पीजी की बात करते हैं, नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 164 सीट्स हैं। हम आगे जानेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और कौन कौन सी कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में, वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानेंगे। और अगर हम सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं, लाइक डीएम और एमसीएच, तो यहाँ पर टोटल 22 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें भी जानेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं आपके पुणे वाले सेक्टर में। एक चीज़ और बता दूं कि जो ये डीवाई पाटिल है वो हमारा तीन ब्रांचेस हैं, एक आपकी कोल्हापुर में है, एक पुणे में है आपकी, और एक नवी मुंबई में है। तीन ब्रांचेस इसकी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी के लिए, क्योंकि जो एमबीबीएस है यहाँ पर उसकी क्या कितनी क्या फीस रहती है आपकी, ये चीज़ जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपकी यूजी की जो सीट्स जा रही है, फीस जा रही है, वो ट्यूशन फीस की अगर बात करते हैं तो 25 लाख आपकी ट्यूशन फीस जा रही है। अगर हम वन टाइम एलिजिबिलिटी फीस के बारे में बात करते हैं तो ये वन टाइम पेमेंट होती है जो कि आपकी फर्स्ट ईयर में पे करना पड़ता है। ये 2 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। अगर हम हॉस्टल फी की बात करते हैं और मैथ्स की बात करते हैं तो 2,80,700 के अराउंड आपको फीस पे करनी पड़ती है पर ईयर। और अगर हम क्वेश्चन मनी की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 50,000 का आपको क्वेश्चन मनी सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो जाहिर सी बात इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, और ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड कॉलेज है आपका पुणे में महाराष्ट्र में, इसका काफ़ी ज़्यादा नाम चलता है डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें। बाकी अगर हम पैकेज की बात करते हैं तो अगर 25 लाख फीस है तो 25 लाख × 4.5 करते हैं तो इसका जो टोटल पैकेज निकल के आता है 1,12,000 के अराउंड आपका पैकेज निकल के आता है ट्यूशन फीस की बात करते हैं। और इसी में अगर हम इसका जो हॉस्टल है वो 2,80,000 के अराउंड जो आपका हॉस्टल है उसकी अगर फीस के बारे में बात करते हैं तो वो 14 लाख फीस उसको और एडअप कर लीजिए तो जो आपका ये टोटल बजट बनता है वो आपका अराउंड 1,30,00,000 के आसपास ये कॉलेज आपको पूरा 5 साल में एमबीबीएस के लिए ये कॉलेज आपको पड़ता है। एमबीबीएस आपको मालूम ही होगा 4.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप और होती है एडिड होती है। अगर हम पूरा टोटल बात करते हैं तो 5.5 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल आपको थियोरिटिकल पार्ट होता है और 1 साल की इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी में अगर हम पीजी के बारे में बात करते हैं, जो पीजी सबसे पहले तो हम जानेंगे कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं और कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं कौन कौन सी ब्रांच में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था इसमें 164 टोटल सीट्स अवेलेबल हैं पीजी की। वहीं पर एमडी एनाटॉमी की अगर बात करते हैं तो 3 सीट्स अवेलेबल हैं, एमडी बायोकेमिस्ट्री की 2, एमडी साइकोलॉजी की 3,
एमडी पैथोलॉजी की 12 सीट्स हैं। अगर हम एमडी फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो 6 सीट्स आपको देखने को मिल जाती है इस कॉलेज में। माइक्रोबायोलॉजी 3 सीट्स, कम्युनिटी मेडिसिन 6 सीट्स, जनरल सर्जरी की 16 सीट्स, ऑर्थोपेडिक्स 10 सीट्स, ऑप्थल 9, ईएनटी 4, जनरल मेडिसिन 17 सीट्स, डर्माटोलॉजी 9 सीट्स, रिस्पिरेटरी मेडिसिन 4 सीट्स, साइकेट्री 6, रेडियोलॉजी 12, एनेस्थीसिया 11, गाइनी 14 सीट्स, पीडियाट्रिक्स 15, एमरजेंसी मेडिसिन 2 सीट्स। तो इसमें सारी आपकी अधिकतर ब्रांचेस की क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जिसकी मैंने आपको नंबर ऑफ सीट्स बता दी कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं अगर इसमें आप एडमिशंस लेते हैं तो। बाकी हम अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आपका अगर पीजी में एडमिशन लेते हैं तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल, गाइनी, एमरजेंसी मेडिसिन की 35 लाख पर ईयर फीस है, ठीक है। और अगर हम इसमें एनआरआई की फीस बात कर लेते हैं, इसी में एनआरआई की जो फीस जा रही है वो $90,000 जा रही है पर ईयर, और इसमें जो जनरल कैटेगरी की जो वन टाइम पेमेंट है वो 2 लाख रुपए की होगी, और एनआरआई की 53,000 के अराउंड आपकी पेमेंट दी जाएगी जो क्वेश्चन मनी सबमिट करते हैं वो। बाकी जनरल सब्जेक्ट्स लाइक हायर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे कि डर्माटोलॉजी और रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो 50 लाख पर ईयर फीस है आपकी नॉर्मल, और एनआरआई की बात करते हैं तो 90,000 डॉलर पर ईयर फीस है, 2 लाख रुपए का आपको क्वेश्चन मनी सबमिट करना पड़ेगा, और उसमें एनआरआई 53,000 डॉलर का आपको क्वेश्चन मनी सबमिट करना पड़ेगा। बाकी रिमेनिंग ब्रांच लाइक साइकेट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, और इसकी अगर फीस के बारे में बात करते हैं तो 25 लाख रुपए इसकी फीस है, और एनआरआई की जो फीस है वो 75,000 डॉलर पर ईयर, क्वेश्चन मनी 2 लाख, और इसमें एनआरआई 52,000 का डॉलर का आपको क्वेश्चन मनी सबमिट करना पड़ता है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक एनेस्थीसिया, उसमें 25 लाख फीस जा रही है, इसमें एनआरआई की सीट अवेलेबल नहीं है। पैथोलॉजी की 14 लाख, इसमें भी आपकी फ़ीस अवेलेबल नहीं है एनआरआई की सीट्स। बाकी पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, इसकी जो फीस जा रही है वो अराउंड 1 लाख आपकी फ़ीस है, और इसी तरीके आपकी प्री क्लिनिकल की बात करें तो एनाटॉमी, साइकोलॉजी और आपकी बायोकेमिस्ट्री की भी 1 लाख रुपये फ़ीस आपकी इसमें जाती है, इसमें भी एनआरआई सीट्स अवेलेबल नहीं है। अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो 2,80,700 का हॉस्टल सेम एज यूजी वो आपका हॉस्टल जा रहा है, और एनआरआई के बारे में बात करते हैं तो $4,355 पर ईयर वो आपको पे करना पड़ता है, इसमें भी क्वेश्चन मनी आपको 50,000 का पे करना पड़ता है। मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको जो यूजी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं आप फीस बता नहीं पाया एनआरआई की, अगर वो एनआरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनआरआई की जो फीस जाने वाली है वो आपकी यूजी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो $60,000 आपको पर ईयर पे करनी पड़ेगी एनआरआई की सीट अगर इसमें लेते हैं। अगर एलिजिबिलिटी फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो $3,000 की एलिजिबिलिटी फ़ीस वन टाइम पेमेंट होती है फर्स्ट ईयर में, जो कि पे करनी पड़ती है आपको। हॉस्टल और मैस की बात करते हैं तो $4,355 आपको पे करनी पड़ती है पर ईयर, और क्वेश्चन मनी जो आपका जाता है वो $50,000 का आपको वन टाइम क्वेश्चन मनी आपको पे करना पड़ता है यूजी कैंडिडेट्स। तो ये मैंने आपको यूजी और पीजी की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, प्लस कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इसमें वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको डिटेल में बता दी है। होपफुली आपको सारी डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर हम सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं लाइक डीएम और एमसीएच, तो यहाँ पर जो सीट्स अवेलेबल हैं वो 22, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें आपकी एमसीएच न्यूरो सर्जरी 3 सीट्स अवेलेबल हैं, यूरोलॉजी एमसीएच 4 सीट्स, और अगर हम बात करते हैं कार्डियो की तो यहाँ 3 सीट्स अवेलेबल हैं, कार्डियोलॉजी की 3 सीट्स डीएम में, और नेफ्रोलॉजी डीएम 3 सीट्स, न्यूरोलॉजी डीएम 2 सीट्स, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एमसीएच 2 सीट्स अवेलेबल हैं, और आपकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डीएम की 2 सीट्स अवेलेबल यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो ये मैंने डीएम और एमसीएच की टोटल 22 सीट्स को आपका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आपको मे भी सारी चीज़ें इसमें क्लियर आउट होती हुई दिखाई दे रही होंगी। अगर कोई डाउट हो या एडमिशन रिलेटेड आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप पीजी के हो या यूजी के,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इसमें एडमिशन प्रोवाइड कराने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो आपके लिए। इसी साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।